हाय व्यूवर्स, आज मैं बनाऊंगी कैबेज की सब्जी, पत्ता गोभी की सब्जी, जो कि बनके झटपट तैयार हो जाएगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। कैबेज की सब्जी बनाने के लिए, पत्ता गोभी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम की एक पत्ता गोभी ली है, दो टमाटर है, दो मीडियम साइज़ की प्याज है, दो मीडियम साइज के आलू है, ये देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके मैं कैबेज की सब्जी बनाऊंगी झटपट बनने वाली। नमक लिया है मैंने 1 चम्मच, मसाला में मैंने लिया है 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच से थोड़ा कम धनिया पाउडर है, 1 चम्मच से थोड़ा कम मिर्चा पाउडर है, 1/2 चम्मच 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर है और 1 चम्मच ये चिकन मसाला है। इसका इस्तेमाल करके मैं कैबेज पत्ता गोभी की सब्जी बनाऊंगी झटपट। अब मैं गैस को ऑन करूंगी। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 तेज पत्ता, थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च ली हुई है गोटा, और प्याज को मैंने इस तरह से रफली चॉप करके रखा हुआ है, और टमाटर को भी इस तरह से रफली चॉप करके रखा हुआ है, मोटे मोटे से काट के रखी है मैंने। कैबेज को मैंने इस तरह से लच्छा टाइप का इस तरह से काट के रखे हुए है, और आलू को इस तरह से पतले पतले भी स्लाइस में काट के रखी हुई हूँ। अब मैं 2 सीटी आने तक इसको बॉईल करूंगी कुकर में डाल करके। आधा गिलास पानी के साथ मैं बॉईल करूंगी इसको, जो मैंने नमक रखी हुई है आधा नमक मैं बॉयल करने में डालूंगी और आधा मैं सब्जी में डालूंगी। नमक अपने स्वाद के अनुसार ही ले। थोड़ा इसको नमक को मिक्स कर लूंगी सब्जी में अच्छे से इस तरह से। उसके बाद मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगी और 2 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे बॉयल करूंगी। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है और इसमें मैं लगभग 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालूंगी, जो मैंने रखी हुई है तड़का लगाने के लिए, वो तेज पत्ता मैं डाल दूंगी, जीरा डाल दूंगी और काली मिर्च डाल दूंगी। ये चटकने लगा है, अब इसमें मैं प्याज को डालूंगी। मीडियम फ्लेम पे प्याज को भून करके मैं गोल्डन ब्राउन कर लूंगी। अब देख सकते हैं प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं फ्लेम को लो कर लूंगी और इसमें मैं टमाटर को ऐड करूंगी। उसके बाद जो आधी नमक मैंने रखी हुई है उसको ऐड करूंगी। और ये खाने का सोडा इसको बोलते हैं, मीठा सोडा, ये लगभग 1 सीटी भर है, इसको मैं इसमें ऐड करूंगी और लगभग आधा कप पानी के साथ इसको मैं पकाऊंगी प्याज और टमाटर को। और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको मैं ढक के पकाऊंगी प्याज और टमाटर गलने तक। ढक्कन लगा करके 5 से 7 मिनट इसको पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। बीच में खोल के इसको चेक करते रहेंगे, पलट लेंगे इस तरह से, अच्छे से पकाना है। फिर मैं ढक्कन लगा दूंगी इसमें, तो थोड़ी देर में खोल खोल के देखती रहूंगी ताकि मसाला जले नहीं प्याज टमाटर। कुकर में 2री सीटी आने वाली है, टमाटर को इस तरह से चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। लगभग इसको पकाते हुए 5-6 मिनट हो गया, मैं खोल के देख ले रही हूँ।
ये अच्छे से पक चुका है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसमें मैं जितने मसाले रखी हुई है अब वो मैं इसमें ऐड करूँगी साथ में, इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे मसाला को, बस 1 मिनट अच्छे से इसको टमाटर प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें लगभग 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालूंगी, 1 छोटी चम्मच मैं यहाँ पे लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। और इसको मसाला के साथ अच्छे से 1 मिनट के लिए पका लेंगे, क्योंकि खाने का सोडा मैं डाली हुई है इसमें, इसलिए टमाटर और प्याज अच्छे से गल चुकी है, मसाला अच्छे से इस तरह से पक चुकी है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कैबेज और आलू अच्छे से पक चुका है। मैं इसमें ऐड करूँगी मसाला में, अच्छे से निकाल लूँगी सबको। और इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट, क्योंकि मसाला भी तैयार है और कैबेज भी पका हुआ है, बॉयल किया हुआ है, तो ज़्यादा देर पकाएंगे नहीं, हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये बहुत बनकर के झटपट तैयार हो जाती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, मीठा स्वाद, ये जो खाने का सोडा, मीठा सोडा जो मैं डाल रही हूँ उससे थोड़ा सा इसका स्वाद डिफरेंट आता है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में ये सब्जी। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ढक के लगभग 2 से 3 मिनट पकाऊंगी इसे, और लो टू मीडियम फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे बनते हुए 2 से 3 मिनट हो गया। मैं इसे खोल के देख ले रहे हूँ, सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है देखने में। मैं इसको एक बार मिक्स करके देख ले रही हूँ, सब्जी तो बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं गैस को ऑफ कर ले रही हूँ और सब्जी को निकाल ले रही हूँ। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, पूरी पराठा चावल किसी भी चीज़ के साथ खाइए। आप देख सकते हैं पत्ता गोभी की सब्जी, कैबेज की सब्जी कितनी अच्छी बनी है, लटपट सब्जी झटपट बन के तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार बनाइए खाइए, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले रेसिपी के साथ मिलती हूँ, बाय बाय।